फॉर लूप इन जावे स्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग uh, के अंदर अक्सर uh, ये प्रॉब्लम आती है कि हम एक सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं दिस वी कैन अचीव यूजिंग लूप्स और इन मोस्ट केसेस हमारे पास जो लूप्स uh, के अंदर हम वेरिएबल्स को चेंज करना चाहते हैं कि जब एक पर सर्टन एन्वयमेंट uh, के अंदर सर्टन सेट ऑफ वेरिएबल्स के साथ एक दफा लूप एग्जीक्यूट हो और फिर नेक्स्ट टाइम वो जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ एग्जीक्यूट हो हमने एक एरे है उसकी तमाम तुम, उस वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है एक हमने एक स्ट्रिंग बनाई है टेक्स्ट की और उसके अंदर एक एरे के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स उसकी वैल्यूज हैं उनको अपेंड किया है हमें एक इसको लिखने के लिए एक मल्टीपल हर लाइन के अंदर हमें डिफरेंटली जो है तमाम वै, वै, एरे के जितने भी इंडेक्सेस है उनको एक्सेस करना होगा लेकिन हम यही चीज जो है लूट की मदद से अगर करना चाहें तो एक हम कम्पेरेटिवली शार्टर कोड के अंदर कर सकते हैं इसको हम आगे चल के स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसको अचीव किया जाता है जावर स्क्रिप्ट हमें जो मल्टीपल टाइप्स के लूप्स देता है वन ऑफ देम इज फॉर लूप और इसके अलावा हमारे पास होता है फॉर इन लूप जो कि हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को गेट करने के लिए यूज करते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो है वाइल का लूप होता है और इसी तरह से हमारे पास डू वाइल का लूप होता है जावर के अंदर जो कि हम आगे चल के स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप जो कि मोस्ट कॉमन लूप है जिसको यूज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस के ऊपर कोई कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसके सिंटेक्स को देखते हैं हमारे पास फॉर का कीवर्ड हम यूज करते हैं और हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि सेपरेट हो रही होती है यूजिंग सेमी हम फॉर का की यूज करते हैं उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर तीन स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके बाद कर ब्रैकेट के अंदर वो कोड ब्लॉक देते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं रिमेंबर कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मेंशन करती है सिर्फ एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट टाइम जिस वक्त हमारे पास कोड या फॉर का लूप जो है स्टार्ट होता है लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एक नॉर्मली कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो कि हमें डिसाइड करती है कि जब तक ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ये लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है इसी तरह से स्टेटमेंट थ्री जो है वो एग्जीक्यूट होती है हर टाइम जब भी ये लूप जो है एक दफा खत्म होता है हर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के बाद लूप के स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है वो कम्पेरिजन होगा हमारे पास स्टेटमेंट टू का और डिसाइड किया जाएगा कि लूप को नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना है कि नहीं इसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं हमने यहां पे फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट में उस वेरियबल को इनिशलाइज किया है उसकी वैल्यू आई को वैल्यू दी है जीरो की फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें कंडीशन दी है कि जब तक आई की वैल्यू जो है फाइव से छोटी है तब तक इस फॉर के लूप को एग्जीक्यूट करना है और हर एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू को एक वन टाइम इंक्रीज कर देना है सो, वी कैन सिंपली से ये जो हमारा लूप है ये इट विल रन फॉर फॉर फाइव टाइम रिजल्ट जो है वो तकरीबन कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास जितने भी सेम वैल्यू है वो उतनी दफा हमारे पास एग्जीक्यूट होगी उतनी दफा हमारे पास लिखी जाएगी जितनी दफा हमने उसको रूप को एग्जीक्यूट किया है स्टेटमेंट वन जो है नॉर्मली जो है वो स्टेटमेंट होती है जो कि इनिशियलाइज करती है वेरिएबल्स को लेकिन याद रखें कि जॉबा स्क्रिप्ट जो है वो इस चीज की केयर नहीं करता कि आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज को ही इनिशियलाइज कर रहे हैं या आप किसी और पर्पज के लिए इसका यूज कर रहे हैं आप चाहें तो फर्स्ट uh, स्टेटमेंट को कम्प्लीटली uh, ओमिट भी कर सकते हैं यू कैन लीव इट एज अ ब्लैंक इसी तरह हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं सिंपली सेपरेटिंग देम बाय कॉमा इस तरह हमने यहां पे इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट यह दी दूसरी स्टेटमेंट यह दी और उसको सेपरेट किया है कॉमा के साथ और उसके बाद अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट दी है रिजल्ट समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास जितने भी एरे की वैल्यूज हैं वो आउटपुट में कर दें प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास जब के अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को जो है मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट रखें हम इसको चाहें तो हम इसमें कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं चाहें तो हम इसके अंदर कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका जो एक्चुअल एट द एंड रिजल्ट है दैट शुड बी अ बुलियन वैल्यू ताकि जो हमारा लूप है वो डिसाइड कर सके कि मुझे नेक्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना नेक्स्ट टाइम लूप को हमारे पास हम अगर सेकेंड स्टेटमेंट को चाहें तो कम्पलीटली ऑमिट भी कर सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है आ, लूप की हमारी यह भी हमारे पास ऑप्शनल होती है और अगर हम चाहें तो इसको ना यूज करें और अगर हम चाहें तो इसके अंदर आ, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आ, टिपिकली इट इज एन इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट मगर यह जरूरी नहीं हम कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी स्टेटमेंट जो हम स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट के कोड में लिख सकते हैं वो हम यहां पे मैंशन कर सकते हैं हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली ऑमिट भी की जा सकती है लाइक इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को कम्पलीटली ऑमिट कर दिया है और इसी तरह से हमने जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको भी ऑमिट कर दिया है जबकि हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है कंडीशनल वो हमने यहां पे रखी है ताकि हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो सके केस अगर हम इस थर्ड स्टेटमेंट को भी यहां पे बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दें सेकंड स्टेटमेंट को अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को तो भी हम ये काम कर सकते हैं और तो भी हमारा लूप जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा लेकिन उस केस के अंदर हमारे पास हमें लूप को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा यूजिंग द कीवर्ड ब्रेक फॉर इन लूप चोकि हम यूज करते हैं आ, एक्सेस करने के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पर्सन का जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं लाइक एफ नेम इज़ जॉन, एल नेम इज डो एंड देन देखिए हमने ट्वेंटी फाइव दी है हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं इस पर्सन के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी तमाम वैल्यूज का तो इट विल वर्क समथिंग लाइक दिस कि हम फॉर का कीवर्ड यूज करेंगे एंड वी कैन यूज वेरिएबल और इन का कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट कर दें ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है उसका नाम देंगे तो हमारे पास जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो इस लूप के अंदर एग्जीक्यूट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे यूजिंग एक्स जो है एक्स में हमारे पास वो तमाम नाम जो है वन बाय वन जो है इस लूप के अंदर चेंज होते जाएंगे लाइक फर्स्ट टाइम इट विल बी एफ नेम देन इट विल बी लास्ट नेम एंड देन इट विल बी एज तो हमारे पास जो टेक्स्ट स्ट्रिंग बनेगी वो कॉन्केट होके it will be the concatenation of all the values of all the properties in this particular object so this is all about uh, for loops in javascript